आज 10वीं 12वीं एमपी बोर्ड का रिजल्ट घोषित हुआ, जिसमें इंदौर की मानसी राठौर ने पूरे इंदौर में प्रथम स्थान हासिल किया, वहीं मध्य प्रदेश में उन्हें तीसरी रैंक मिली है। एक मध्यम परिवार से ताल्लुक रखने वाली मानसी राठौर ने इस रिजल्ट के लिए काफी मेहनत की है और अपने पिता मनोज राठौर और माता माया राठौर के साथ साथ पूरे इंदौर का नाम रोशन किया है। इससे बात करने पर यह भी पता चला कि मानसी के पिता एक मैकेनिक है और एक समय वो भी था जब मानसी वैष्णव स्कूल में पढ़ती थी, लेकिन घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने की वजह से पिता ने उन्हें सरकारी स्कूल बालाजी गणेश मारवाड़ी कन्या माध्यमिक विद्यालय में भर्ती किया। मानसी ने अपनी कठोर मेहनत से बिना किसी कोचिंग की मदद से 12वीं कॉमर्स विषय में 500 में से 481 अंक हासिल किए और इंदौर की टॉपर बनी और मध्य प्रदेश में तीसरी रैंक हासिल की। माता पिता अपनी बेटी की इस उपलब्धि से बहुत ही खुश हैं और शायद अपनी खुशी का इजहार करने के लिए उनके पास शब्दों की भी कमी है। वे बस यही कह रहे हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर बहुत गर्व है। मानसी आगे चलकर चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहती हैं और इसके लिए उन्होंने तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। और मैंने एमपी में थर्ड रैंक, मेरी एमपी बोर्ड 12th में थर्ड रैंक आई है, इसलिए मैं काफ़ी खुश हूँ कि 481 आए 500 में से मुझे, और इंदौर में मैंने टॉप किया है, इसलिए फैमिली के सपोर्ट से और बहुत अच्छा है। क्या करना चाहती हूँ? मैं CA बनना चाहती हूँ आगे। मेरी बिटिया है मानसी राठौर, उन्होंने आज एमपी बोर्ड 12वीं में टॉप किया है। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में ऐसे ही टॉप करती रहे और अपने परिवार का और हमारी राठौर समाज का नाम। मैं मैकेनिक हूँ, एक टू व्हीलर का मैकेनिक हूँ, गाड़ी सुधारता हूँ दिन भर। मैं मेरी बिटिया को फुल सपोर्ट करता हूँ। मम्मी ने काफ़ी हेल्प की है, मेरी फीस वगैरह के लिए कॉम्प्रोमाइज पार्लर स्टार्ट किया है ताकि फीस पे हो सके स्कूल। अच्छा, घर में काफी जो समस्या आ गई थी सर, उसके बाद में पापा की भी सर शॉप जो टूट गई थी। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।